हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अविनाश। और जैसा कि हम लोग पार्लियामेंट की सीरीज़ देख रहे थे, पार्लियामेंट की सीरीज़ में हम लोगों ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देख चुका था। सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखा था, कैसे कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुना जाता है और कहां कहां से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ सकते हैं, ठीक है, और इनका हेड क्या कौन होता है वो भी देख लेता। और हमने ये भी देखा था कि क्यों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाया जाता है। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर, ये आपने सुना होगा कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स, अच्छा मिनिस्टर ऑफ स्टेट और इंडिपेंडेंट, ये सब आपने सुना होगा। ये एक्चुअली में है क्या, ये कुछ नहीं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पार्ट्स हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे उनमें से कुछ मिनिस्टर्स छांट के कैबिनेट मिनिस्टर में डाल दिया गया है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट में डाल दिया गया कुछ को, और कुछ को डाल दिया गया डेप्यूटी मिनिस्टर में, ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे करके हम ये सारे 1 2 3 4 5 6 ये ऑल द 6 टाइप ऑफ मिनिस्टर वी विल सी, ओके, वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर। उससे पहले भी मैं आपको एक बात और बता दूं कि इन लोगों के बीच में डिफरेंस किस बेसिस पर डिफरेंस किया जाता है। बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री आर्स, इनके एमोल्यूमेंट मतलब क्या होता है कि इनका जो वो होता है, इनको रहने के लिए, किसी को रहने के लिए घर भी मिल जाता है, किसी को ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिल जाते हैं, तो बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। एमोल्यूमेंट्स मतलब है ना, उनकी पेमेंट भी अलग अलग होती, सैलरी अलग अलग होती, उस बेसिस पे भी इन लोगों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इनकी रैंक के आधार पर भी इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इनके पॉलिटिकल पावर के आधार पर भी इनको डिफरेंशिएट करते हैं। इन सब में सबसे सुप्रीम होता है कैबिनेट मिनिस्टर, ये सबसे बड़े मिनिस्टर्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन लोगों की पावर सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे अभी कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर क्या है, तो पहली चीज़ तो ये कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से निकल के ही कुछ मेंबर, यहाँ के कुछ मेंबर निकल के इंपॉर्टेंट मेंबर होंगे जो बहुत ज़्यादा, उनको कैबिनेट मिनिस्टर में मिनिस्टर बना दिया गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि कैबिनेट मिनिस्टर, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर का। कैबिनेट मिनिस्टर इज़ अ स्मॉल बट वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो छोटा सा, इसका एक छोटा सा हिस्सा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि इसी से थोड़े से लोग मिलकर कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं ना, तो इसलिए स्मॉल पार्ट है, पर ये बहुत क्रूशियल पार्ट है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर ही बनते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, याद रखिएगा आप, ठीक है। हेड, सेकंड पॉइंट कहता है कि हेड द इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जितनी भी इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो सारी कौन हेड करता है, कैबिनेट मिनिस्टर के लोग, जो मिनिस्टर्स लोग होते हैं उन लोग हेड करते हैं उसको, हेड करते हैं मतलब उनके प्रिसाइड करते हैं। हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, मेंबर ऑफ द कैबिनेट अटेंड इट्स मीटिंग एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग पॉलिसी। तो जो कैबिनेट के जो मेंबर होते हैं, कैबिनेट के मेंबर ही अटेंड करते हैं कैबिनेट की मीटिंग, अदर मिनिस्ट्री के लोग नहीं कर सकते। जो कैबिनेट की मिनिस्ट्री में रहते हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं, वही लोग अटेंड करते हैं मीटिंग, और जितनी भी पॉलिसी होती है इन लोग मिलकर मीटिंग में डिसाइड करते हैं, ठीक है, जो भी पॉलिसी लेके आना होता है। चलो हम आगे देखते हैं। अब देखिए, मैंने कैबिनेट तो आपको समझा दिया, कैबिनेट क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से निकाल के कुछ मेंबर्स को, कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर को कैबिनेट मिनिस्टर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से निकाल के कैबिनेट में डाल दिया जाता है, उसी को कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। जैसे कि देखिए, आप देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के नाम दिख जाएंगे आपको कैबिनेट की मिनिस्ट्री में। देखिए, आपने सुषमा स्वराज को तो आप जानते ही होंगे, ये मैडम सुषमा स्वराज जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की हेड है ना, ये इस मिनिस्ट्री की हेड है ये, इनको आप बहुत अच्छे से जानते हो। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो हमारा, एक बात और बता दूँ, जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, ये तो पता, और जितनी भी उसके नीचे सब कैटेगरीज होती हैं, मतलब कहने का मतलब ये कि जितने भी हमारे यहाँ पे जैसे ये कैटेगरीज हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गया, डेप्यूटी मिनिस्टर हो गया, जितने भी ये जितने भी ऑल टोटल, इन सबके भी हेड होते हैं वो, ठीक है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है, इसलिए उनको सबसे ऊपर रखा जाता है। देखिए, ये सबसे ऊपर बने हुए हमारे नरेंद्र मोदी, ये खुद भी देखिए कितने सारे डिपार्टमेंट के हेड है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन, ठीक है, तो ये भी हैं, हेड हैं, ठीक है। अब आप जैसे देखिए कैबिनेट मिनिस्टर में, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर आता है, तो श्री राजनाथ सिंह जी जो हैं वो हमारे होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, गृह मंत्री हैं, ठीक है। अरुण जेटली जी को देख लीजिए, मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो है ये, ठीक है ना, ये वित्त मंत्री हैं अभी यहाँ पे, अब हमारे यहाँ के, ठीक है। और ये देखिए श्री सुरेश प्रभु, देखिए नितिन गडकरी, ये देखो, ये बहुत जाने माने नाम आपको समझ में आ रहे होंगे, ये बहुत जाने माने नाम है, कई बार आपने न्यूज़पेपर में भी सुना होगा इनका नाम। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, इन्हीं लोगों के नाम यहाँ में इंक्लूड किए जा गए हैं कैबिनेट मिनिस्टर में, ठीक है। देखो ये कुछ मेंबर्स ये हैं,
कुछ मेंबर्स ये यहाँ पे हैं, ये भी कैबिनेट के मेंबर्स हैं, ठीक है। ये देखिए हमारी स्मृति जुबिन ईरानी, ये देखिए ये पहले तो शिक्षा मंत्री जब बनने वाली थी तब देखो कितना विवाद हुआ था, आपको याद होगा बहुत अच्छे से। अभी तो ये खैर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल संभाल रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बदलते रहते हैं, मिनिस्ट्री बदलती रहती है, ठीक है। लोगों को अलग अलग काम दे दिए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में। चलो आगे देखते हैं, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो देखो ये मैंने सारी लिस्ट डाल दी है कैबिनेट मिनिस्टर की, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लिस्ट डली हुई है कैबिनेट मिनिस्टर की। आप जिसको ज़्यादा इच्छा है कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में जानने की तो ये लिस्ट देख सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम स्टेट मिनिस्टर क्या होता है। देखिए हमने देखा था कैबिनेट मिनिस्टर होता है, स्टेट मिनिस्टर होता है। ये स्टेट मिनिस्टर कहाँ से निकलते हैं, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही निकलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही निकल के बनते हैं। और ये इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हैं। देखो दो टाइप के स्टेट मिनिस्टर होते हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट और एक होते हैं इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट वाला हम पहले देख रहे हैं, दे वर्क इंडिपेंडेंटली, ये खुद ही इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, किसी के गाइडेंस पे किसी के सुपरविजन पे काम नहीं करते, ठीक है। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन एंड सेम पावर इन रिलेशन टू द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स एज कैबिनेट मिनिस्टर। जितनी पावर जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स की होती है ना, कैबिनेट मिनिस्टर अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते हैं, सेम टू सेम फंक्शन यहाँ पे स्टेट मिनिस्टर्स का भी होता है। ये भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म खुद ही करते हैं जैसे कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आके काम नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट सो कैन नॉट अटेंड कैबिनेट मीटिंग। हालांकि पावर कैबिनेट के मिनिस्टर्स के बराबर की है, पर ये क्योंकि मेंबर्स नहीं होते कैबिनेट के, इसलिए इन लोगों को कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं दी जाती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमको क्या कह रहा है कि बट कैन अटेंड ओनली, अच्छा देखिए नॉर्मली तो ये कैबिनेट की मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है, पर अगर जैसे मान लो कि किसी कोई स्टेट मिनिस्टर है, उनका कोई उनके जो पोर्टफोलियो उनको मिला है या उनको जो मिनिस्ट्री मिली है या उनको जो जो डिपार्टमेंट मिला है, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई बात अगर कैबिनेट में चल रही है तो उन मिनिस्टर्स को, उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को जो स्टेट मिनिस्टर होंगे उनको बुला सकते हैं कैबिनेट मीटिंग को अटेंड करने के लिए। देखिए यहाँ फोर्थ पॉइंट वही कह रहा है, बट कैन अटेंड ओनली वैन स्पेशली इन्वाइटेड इफ समथिंग रिलेटेड टू देयर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इज कंसर्न्ड बाय द कैबिनेट। अगर कैबिनेट इन लोगों की, इन स्टेट मिनिस्टर्स की मिनिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ का डिस्कशन कर रहा है तो इन लोगों को बुलाया जा सकता है मीटिंग को अटेंड करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये कुछ स्टेट मिनिस्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर्स, और उनकी मिनिस्ट्री के बारे में सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये मैंने डाल दिया है, आप थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे, अभी तो हमने स्टेट मिनिस्टर देख ली जो कि इंडिपेंडेंट थे, अब हम वो स्टेट मिनिस्टर देखेंगे जो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है मतलब किस पे डिपेंडेंट होंगे, ये होंगे डिपेंडेंट, ये हमारे कैबिनेट पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। ये स्टेट मिनिस्टर जो होंगे ये डिपेंडेंट होंगे कैबिनेट पे। देखते हैं पहला पॉइंट, देखिए क्या कह रहा है हमारा स्टेट मिनिस्टर हु आर डिपेंडेंट, ठीक है। ये डिपेंडेंट में यहाँ लिख दे तुम, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अगर सिर्फ स्टेट मिनिस्टर लिखा है तो समझ जाओ वो डिपेंडेंट ही है। दिस स्टेट मिनिस्टर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड आर अटैच्ड टू द कैबिनेट। ये जो मैंने आपको बताया कि कैबिनेट से अटैच्ड होते हैं, कैसे अटैच्ड होते हैं देखते हैं हम। दूसरा पॉइंट हमको कह रहा है, दे मे आइदर बी गिवन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट। देखिए इस टाइप से अटैच्ड होते हैं, दे मे आइदर बी गिवन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्रीज, है ना, और अलॉटेड स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ वर्क रिलेटेड टू द मिनिस्ट्रीज हेडेड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। देखो अब जो कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे कुछ एक मिनिस्ट्री है, जैसे रूरल डेवलपमेंट की एक मिनिस्ट्री है, ठीक है, ये रूरल डेवलपमेंट की एक मिनिस्ट्री है, या फिर एक्सटर्नल अफेयर, TERNL एक्सटर्नल अफेयर की एक मिनिस्ट्री है, ये तो हो गई पूरी मिनिस्ट्री, फुल मिनिस्ट्री हो गई है, ठीक है। अब इस मिनिस्ट्री के अंदर जैसे दो मिनिस्ट्री, इनके अंदर कुछ काम होंगे, कुछ डिपार्टमेंट होंगे ना इनके अंदर भी कुछ, तो इन डिपार्टमेंट को संभालने की ड्यूटी किसकी रहती है, स्टेट मिनिस्टर की ड्यूटी रहती है। इन मतलब मिनिस्ट्री नहीं संभाल रहे हैं, ये मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, ठीक है। या फिर कुछ भी स्पेसिफिक काम दे दिया जाएगा, डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उन काम को कौन देखेगा, हमारे स्टेट मिनिस्टर देखेंगे, हु आर डिपेंडेंट ऑन द कैबिनेट मिनिस्टर, है ना। तो ये एक इस टाइप की भी मिनिस्ट्री रहती है, ठीक है, इसकी रैंक कम रहती है और,
ठीक है। अब ये देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, दे वर्क अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। ये कैबिनेट मिनिस्टर के गाइडेंस में और उनके सुपरविजन पे काम करेंगे, जैसा कैबिनेट मिनिस्टर्स कहेंगे वैसा ही यहाँ के इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर्स को काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये अपने मन से फ्रीडम होके फ्री होके काम नहीं कर सकते हैं। ये देखिए कुछ स्टेट मिनिस्टर्स के नाम लिख दिया हूँ मैंने यहाँ पे, कुछ लिस्ट दिया हूँ आपको मैंने, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे श्री इंद्रजीत सिंह राव जी हैं जो मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। देखिए मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री संभाल रहा है पर मिनिस्ट्री के अंदर कुछ डिपार्टमेंट होंगे उनको संभाल रहे हैं जी, ठीक है, उन डिपार्टमेंट के हेड होंगे, ठीक है, इन मिनिस्ट्रीज में है ये यहाँ पे। अब देखते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर क्या होता है। डेप्यूटी मिनिस्टर देखते हैं हम, दे आर नॉट गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। इनको कोई मिनिस्ट्री या कोई डिपार्टमेंट का चार्ज नहीं मिलता है, ठीक है, कोई भी इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का चार्ज नहीं मिलता है। दे आर आल्सो अटैच टू द कैबिनेट। ये भी कैबिनेट से ही अटैच होते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट से अटैच होते हैं। देखो हमने अभी देखा था स्टेट मिनिस्टर जो डिपेंडेंट होते हैं, जो डिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर होते हैं वो सिर्फ कैबिनेट से अटैच होते हैं, ठीक है, पर यहाँ जो डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट से भी अटैच होते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट से भी अटैच होते हैं। अब वो डिपेंडेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हो चाहे वो इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हो, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना, ये सबका सबको मतलब सबके नीचे यही रहने वाला है डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। देखिए डेप्यूटी मिनिस्टर कैबिनेट को कैबिनेट के अंडर में भी आ जाता है और स्टेट मिनिस्टर के अंडर में भी जाता है, ठीक है, डेप्यूटी मिनिस्टर ये यहाँ नीचे मैंने मेंशन कर दिया। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, सेकंड देख लिए, दे आर नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट तो कैन नॉट अटेंड कैबिनेट मीटिंग। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि कैबिनेट के मेंबर नहीं है तो कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करने के लिए भी ये लोग लायबल नहीं होंगे, ठीक है। इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट क्या होती है वो हम देखेंगे, ठीक है, हमने सब सारा कुछ देख लिया। अब इनर कैबिनेट देखिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल टाइप की चीज़ है, ठीक है, ये संविधान में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि किचन कैबिनेट होना चाहिए या इनर कैबिनेट होना चाहिए ये, ठीक है, पर यह होती है। हम जब हम घर में भी कोई डिसीजन लेते हैं ना तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम पूछ के डिसीजन लेते हैं, ठीक है, जो हमारे अपने होते हैं जिन पर हमको सारे तरीके से भरोसा होता है। वैसे देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट इसके बारे में क्या कह रहा है, किचन कैबिनेट के बारे में, दिस इज़ एन इनफॉर्मल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर एंड 2-3-4 इन्फ्लुएंशियल कलीग। मतलब कोई इनकी वो नहीं है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, ज़्यादा लोग नहीं होते क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे कोई ऐसा ही इंसान होगा जिसके ऊपर बहुत ट्रस्ट होगा, जैसे उनकी माँ को भी है, उनकी मम्मी हो सकती हैं, अपनी माँ से भी लेके कुछ फैसला ले सकते हैं वो, तो ये एक इन्फ्लुएंशियल कलीग्स होते हैं यहाँ पे, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे सेकंड पॉइंट कह रहा है, इट इज़ कम्पोज ऑफ नॉट ओनली कैबिनेट मिनिस्टर, यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर भी हो सकते हैं बट आउटसाइडर भी हो सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेम्बर हो गए ना पीएम के, जिनके ऊपर उनको भरोसा है और जिनसे पूछ के वो शायद अभी तक फैसला लेते आए हों, तो उनसे पूछ के भी फैसला लिया जा सकता है। और इन ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैबिनेट, इनर कैबिनेट कहते हैं या किचन कैबिनेट कहते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप, किचन कैबिनेट हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो आज हमने पूरा कैबिनेट के बारे में देख लिया, कैबिनेट किन किन चीज़ों के बारे में देखा है एक बार हम रिकैप कर लेंगे। देखिए हमने सारे कॉम्पोजिशंस देखे, कॉम्पोजिशंस में हमने यहाँ पे कैबिनेट में पहले हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो पहले हमने लेक्चर में प्रीवियसली देख चुके थे, इनके कुछ इनको कैटेगराइज कर दिया गया था, सब कैटेगराइज कर दिया गया था। ये देखिए कैबिनेट मिनिस्टर कर दिया था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भी सब कैटेगराइज में बांटा गया था। देखिए इंडिपेंडेंट हो गया और एक हो गया डिपेंडेंट, है ना, ये भी देख लिया हमने और डेप्यूटी मिनिस्टर भी देख लिया, तो हमने ये तीनों चीज़ देख ली और ये हमारा ये किचन कैबिनेट भी देख लिया, सब सारा कुछ देख लिया है हमने। तो हमारा जो आज मैं आपको बता दूं, आज हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर बैठे हुए हैं, उन मेंबर जो भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सारा सब कुछ हमने देख चुका है, राज्यसभा लोकसभा कैसे लोग चुन के आए, राज्यसभा में कैसे लोग चुन के आए ये भी हमने देख चुका है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और लोग राज्यसभा और लोकसभा से कैसे निकलते हैं वहाँ से बन के, तो ये भी हमने देख लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अब हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि पार्लियामेंट वर्क कैसे करता है। अब ये लोग तो आ गए, सब बन गए, लोकसभा के भी मेंबर बन गए, राज्यसभा के भी मेंबर बन गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्री भी बन गए, अब इनका काम कैसे होगा, कैसे इन लोग हाउस में आएंगी, इनकी हाउस की सिटिंग कैसे होगी, क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेशन देखेंगे,
सेशन ऑफ द पार्लियामेंट देखेंगे कि कितने सेशंस होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोरोगेशन और एडजर्नमेंट सैंडाइक, इस टाइप की चीज़ें देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेके आता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए मुझे आपको बाय बाय कहना पड़ेगा और एक रिक्वेस्ट और करके जाऊँगा मैं आपसे, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आया हो तो कमेंट करके बताना कि क्या पसंद नहीं आया, ठीक है, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। ओके, तो चलता हूँ, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।